नमस्कार, मैं शिल्पा आप सबका स्वागत करती हूँ एनसीईआरटी के स्पेशल लाइव फोन इन कार्यक्रम गाइडेंस फॉर स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हेल्पलाइन, जहाँ आप पूछ सकते हैं अपने परीक्षा से जुड़े सारे सवाल हमारे एक्सपर्ट से। और आज के हमारे एक्सपर्ट्स हैं डॉक्टर श्रद्धा धीवल, असिस्टेंट प्रोफेसर शैक्षिक मनोविज्ञान एवं शिक्षा आधार विभाग एनसीईआरटी, मिस विदुषी दीक्षित स्कूल काउंसलर केंद्रीय विद्यालय आर के पुरम। साथ ही उपस्थित है मिस मानसी गुप्ता स्कूल काउंसलर बीआरडी सर्वोदय कन्या विद्यालय। आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। थैंक यू। जैसे कि हमारे आज के सेशन का थीम है प्री एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, सो डॉक्टर श्रद्धा अगर आप ब्रीफली थोड़ा हमारे व्यूअर्स को इंट्रोड्यूस करें। इट्स वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स टीचर्स एज वेल एज पेरेंट्स। वी आर नाउ द एंटायर ईयर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, इजंट इट? Now, today we will learn how to write in the examination hall without any fear and anxiety. और आप हमें संपर्क कर सकते हैं, अपने प्रश्न भेज सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर के द्वारा जो कि आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही आप अपने सवाल भेज सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर। और इसके अलावा आप एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर कॉमेंट कर भी अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं। और चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और मैम, जैसे कि बात कर रहे थे प्री एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की, तो हमें काफ़ी सारे प्रश्न प्राप्त हुए हैं। कल भी सेशन हुआ हमारा, लेकिन समय के अभाव की वजह से हम प्रश्न कुछ नहीं उत्तर कर पाए। तो सबसे पहला प्रश्न आया था शुभम यादव जी का। उनका प्रश्न था, आई डू नॉट स्टडी एनी मोर बट आई कैन स्कोर मोर इन बोर्ड एग्जाम्स, इन दैट केस व्हाट ही कैन डू? व्हेन शुभम ना? यस शुभम जी, आप कह रहे हैं कि आई डू नॉट स्टडी एनी मोर बट हाउ आई कैन स्कोर मोर। नाउ व्हेन यू आर सेइंग दैट यू डू नॉट स्टडी मोर, तो एक साल आपने पूरा पढ़ाई कर ली होगी, बिकॉज व्हेन वी टेक द एडमिशन इन द 10th एंड 12th, तो सिंस फर्स्ट डे वी आर द पीपल आर आफ्टर अस कि अभी बोर्ड का एग्जामिनेशन है, अच्छे से प्रिपेयर करो बोर्ड का एग्जामिनेशन, तो ध्यान दो। तो हम स्कूल में बैठ के जो टीचर पढ़ा रही है उसको पढ़ाते हैं, नोट्स निकालते हैं, प्रैक्टिकल अटेंड करते हैं, वो यूनिट टेस्ट देते हैं, तो कंसिस्टेंटली वी आर स्टडिंग एंड अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। तो कंटिन्यूस हमारा जो प्रिपरेशन है आपका होता है, बट वेन यू आर स्टडिंग दैट यू आर नॉट स्टडिंग एनी मोर, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज वाइल गोइंग इन बिफोर गोइंग इन टू द एग्जामिनेशन हॉल एटलीस्ट यू हैव टू रिवाइज इट वंस, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द मेमोरी विल नॉट बी गुड थिंग फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। इवन दो यू आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, इट्स गुड थिंग, आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, आपने कॉन्फिडेंटली आप कह रहे हो कि यू विल बी एबल टू राइट विदाउट रीडिंग, बट एटलीस्ट वन रिविजन इज मस्ट बिफोर गोइंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। और अगला प्रश्न था संजय साहू जी का, ट्रिग्नोमेट्री की तैयारी कैसे करें? एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सवाल है ना शिल्पा, ये हमारा एनसीईआरटी ऑफिशियल का जो यूट्यूब चैनल है उसमें हमने जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स है मैथमेटिक्स इंग्लिश सोशल साइंसेस, ये सारे सब्जेक्ट के हमने वो डिफरेंट वहाँ पे यूट्यूब पे डाले हुए हैं। सो इट विल नॉट बी राइट टू आंसर दिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन बाय अस, सो इट इज एडवाइजेबल टू गो टू द यूट्यूब चैनल, टॉक राइट दैट मैथमेटिक अबाउट द मैथमेटिक्स एंड ऑटोमेटिकली दैट रेफरेंस विल कम। सो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा भी आपके काफ़ी सारे प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं। सो सबसे पहला प्रश्न है पीयूष चावला जी का। उनका प्रश्न है, आई थॉट आई न्यू इट बट ब्लैंक ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, व्हाई दिस हैपेंस विद हिम ऑल द टाइम सिंस चाइल्डहुड, सो प्री एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम पे ये कैसे ओवरकम कर सकते हैं, किस टाइप की स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं? ओके, व्हेन वी पीयूष है ना, पीयूष जी कह रहे हैं कि ही गेट्स ब्लैंक सिंस चाइल्डहुड, दैट मीन्स वो उन्होंने एक एक्चुअली जो स्टडी स्किल्स हम पढ़ाते हैं उन स्टडी स्किल्स में एक लर्निंग टेक्निक है विच इज़ कॉल्ड SQ3Rs। तो S मीन्स सर्वे, Q मीन्स क्वेश्चन, एंड जो 3Rs आते हैं दैट इज फर्स्ट R स्टैंड्स फॉर रीड 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 अगेन एंड अगेन टिल यू अंडरस्टैंड, एंड द सेकेंड स्टेज इज रिकॉल, सो वॉट एवर यू रीड you give some time and identify whether you are able to remember what you read or not. The strategies are many, like suppose there are 10 points you want to remember and in the night you studied all those 10 points, then in the morning before studying anything further you try to
recall all those things, 10 points. So, that is, it is possible ki out of 10 points you are remembering 8 points, only 2 points you are not able to remember. Then those immediately you read those 2 points, so that immediately you will be able to remember all those 10 points. So, what we are doing, we are generally the students are, they are studying the whole night or the entire year. But they are not giving time to recall कि जो जितना पढ़ा है उसमें से मुझे कितना याद आ रहा है तो या तो खुद recall करके देखिए उसमें से जितना पढ़ा है उतना कितना याद आ रहा है अगर if your मम्मी पापा के पास time है वो सुनने के लिए तो nothing like that या अगर आप friend के साथ बैठ के उनको कह सकते हैं कि इतना इतना मैंने पढ़ा है just देखो तो सही मुझे कितना याद है तो वो recall वाला जो है ना वो रिकॉल बहुत बहुत ज़रूरी है एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले वो कम से कम एक बार हमने वो रिकॉल करना चाहिए कि मैंने जो पढ़ा है उसमें से कितना याद आ रहा है सो वंस यू आर वेरी श्योर कि इतना मैंने पढ़ा था इतना मुझे याद आ रहा है तो उसको एग्जामिनेशन में जाने से पहले एक बार पढ़ लो देन वो ब्लैंक आउट नहीं होगा दैट मच कॉन्फिडेंट यू विल हैव यस मैंने पढ़ा है और मुझे इतना याद है आई विल बी एबल टू राइट इट राइट मिस विदुषी हां जी आपकी कोई आप बताना चाहेंगे कोई स्ट्रेटजी हां उसमें जो मैम ने कहा है कि बिल्कुल वो जो रिकॉल करने वाला है उसका एक तरीका ये भी है कि आप जो हैं वो टेस्ट पेपर जो सैम्पल पेपर हैं उनकी प्रैक्टिस करें अगर आपको लगता है मे बी कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को एग्जामिनेशन हॉल में एंग्जाइटी हो जाती है तो उसके लिए तरीका यही अच्छा है कि जो एग्ज़ाम लाइक कंडीशंस में आप अपना पेपर जो है तैयार करें जो भी सैम्पल पेपर्स हैं उनकी प्रैक्टिस करें कभी अगर हो तो टीचर से चेक करा लें तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि हमारा जो लर्निंग है वो कितनी अभी हुई है और कितना बाकी है दूसरा आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इससे बढ़ता है आपके दिमाग में रहेगा कि 3-4 या जो भी आपने पेपर सैम्पल पेपर सॉल्व किए हैं प्रैक्टिस किए हैं तो वो उससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि इतना तो मैंने कर लिया था और उसके अलावा आपको थोड़ा ये भी देखना है कि कहीं अपने आप से ओवर एक्सपेक्टेशंस तो नहीं होती हैं क्योंकि कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि नहीं सब कुछ आना चाहिए सब ठीक होना चाहिए तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि आप अपना जितना एफर्ट डाल सकते हैं उतना आपने डाला है बी पॉजिटिव आप ध्यान रखिए कि हमने जितना डालना था उतना डाला है और आगे कोशिश ये करिए कि सब कुछ अच्छा होगा तो मुझे लगता है कि आपकी जो एंग्जाइटी है और जो ये आपकी प्रॉब्लम है उसमें थोड़ा आपको आराम मिस मानसी मैम मैं दोनों सीनियर्स की बात से एकदम सहमत हूँ बस एक पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूँगी वो यही है कि आप ओवर थिंकिंग जितना कम हो सके उतना करें ये बहुत नॉर्मल सिचुएशन होती है जब हमारा एग्ज़ाम का टाइम है और आसपास सभी हमें डरा रहे हैं बेसिकली कि भाई एग्ज़ाम है पढ़ लो पर अपने आप में हमें इतना नहीं सोचना है उसको लेके कि अरे मेरा एग्जाम है वी हैव टू फोकस ऑन द प्रिपरेशन एंड नॉट ऑन द एग्जाम बेसिकली ओवरथिंक नहीं करना है राइट ओके सो इसी के साथ अब एक अगला प्रश्न लेते हैं फरमान अहमद जी का प्रश्न है आई थिंक आई एम डिप्रेस्ड फ्रॉम डिसम्बर एंड माई पेरेंट्स हैव ऑलरेडी क्रिएटेड प्रेशर बाय कंपेयरिंग मी विद द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन अराउंड एंड ही इज स्केयर्ड एंड आई होप आई वोंट टेक एनी रॉन्ग स्टेप सो डॉक्टर एक्चुअली फरहान जी आपके पेरेंट्स के मतलब पेरेंट्स का भी आपके ऊपर प्रेशर है टीचर्स का भी प्रेशर होता है कि यू हैव टू डू वेल सिंस बिगनिंग जैसे बोर्ड का रादर 9th पास होने के बाद ही सब लोग ये बताने लगते हैं कि अभी आपका बोर्ड शुरू हो रहा है आपको पढ़ना है आपको अच्छे नंबर्स लाने हैं अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना है आपको इंजीनियर बनना है आपको डॉक्टर बनना है एंड वो एक्सपेक्टेशन जो है वो पेरेंट्स के होते हैं और वो अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली वो बच्चे को वो बोला जाता है तो इसमें जो मेजर चीज़ जो है कि पेरेंट्स ऐसा क्यों करते हैं पेरेंट्स को सिर्फ ये चाहिए कि मेरा बच्चा जो है मुझसे अच्छा प्रोफेशन में हो मुझसे ज़्यादा अच्छा पढ़े उसका सोसाइटी में स्टेटस अच्छा हो यही वो चाहते हैं और इसलिए चाहते हैं कि बच्चा जो है हमसे ज़्यादा पढ़े और इसलिए उनकी वो अपेक्षाएँ होती है बट तरीका मिस कहाँ पे होता है तरीका गलत कहाँ पे होता है कम्युनिकेशन में वो क्या कहते हैं कि हमें तो वो चांस नहीं मिला था हम छोटी जगह पे रहते थे हमारे पास पैसा नहीं था तो हमारे पास ट्यूशन नहीं थे अभी हम आपको ट्यूशन दे रहे हैं तो आपको उसका इतने ग्रेड्स लाने हैं ऐसे करने हैं जो कम्युनिकेशन का स्टाइल है वहाँ पर गैप रह जाता है कि फिर हम बच्चे में जो है एक कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर पाते कि हम उसके भलाई के लिए करें फिर बच्चे क्या सोचते हैं कि जो पेरेंट्स जो है उसके ऊपर प्रेशर डाल के उनकी मनमानी करना चाहते हैं सो हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पेरेंट को ये अंडरस्टैंड करना है कि ये बच्चा मेरा है एंड जैसे
हमारे लिए तो वर्ल्ड डिफरेंट होता है, लेकिन पेरेंट्स के लिए उनका अपना जो बच्चा है वही उनकी पूरी वर्ल्ड होता है. इवन फॉर द चाइल्ड ऑल्सो, चाइल्ड के लिए भी उनका पेरेंट्स इज द वर्ल्ड फॉर देम. सो बोथ ऑफ देम वॉन्ट टू सेटिस्फाई ईच अदर, बट कम्युनिकेशन का जो स्टाइल है उसमें गड़बड़ होने की वजह से बच्चे जो है प्रेशर महसूस करते हैं. लेकिन अल्टीमेटली पेरेंट्स को चाहिए उनका बच्चा सेफ चाहिए. वो जो इवन दो दे से दैट कि आपको इतने ग्रेड्स लाने हैं, आपको ये बनना है वो बनना है, लेकिन उसके अलावा भी उनके लिए जो इम्पोर्टेंट होता है उनका बच्चा होता है. सो ये उनके मन में ख्याल कभी भी नहीं लाना कि मैं डिप्रेस्ड हूँ या हो सकता है मैं कहीं गलत कदम उठाऊँ, क्योंकि गलत कदम उठाना बिल्कुल नहीं जरूरी है. आपने जो किया है अच्छा किया है एंड द लॉट ऑफ स्कोप इज देयर, जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड गो टू द एग्जामिनेशन हॉल कॉन्फिडेंटली. हियर यू विल स्टडी डिफरेंट स्किल, यू विल कम टू नो, यू लिसन टू द एंटायर शो, यू विल नो हाउ टू स्टडी वेल एंड गो टू द एग्जामिनेशन हॉल कॉन्फिडेंटली. इससे पहले कि हम और इस पर बात करें, वी हैव अ कॉलर ऑनलाइन. नमस्कार, अपना नाम बताएं. जी संजय कुमार बोल रहा हूँ. हाँ जी संजय जी, कौन सी क्लास में हैं आप? जी मैं 12वीं में हूँ. ओके, और कहाँ से बात कर रहे हैं? बिहार से बोल रहा हूँ मैं. बिहार, और स्ट्रीम क्या है आपकी संजय जी? जी विज्ञान विषय, विज्ञान संकाय. अच्छा विज्ञान विषय, अपना प्रश्न बताएं. जी मैम प्रश्न ये है, मेरा अभी पेपर है, परसों पेपर है जी, और थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ अभी, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है कुछ. बहुत सारा सेट पेपर वगैरह मैंने किया है लेकिन बहुत कंफ्यूजन है अभी. ओके, पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं. संजय जी का प्रश्न है, बहुत कंफ्यूजन है, परसों उनका एग्जाम है. परसों आपका केमिस्ट्री होगा संजय जी, इजंट इट? फिजिक्स का आपका 12. हो चुका होगा. हाँ 7 तारीख को केमिस्ट्री है. तो कन्फ्यूजन इन द सेंस कि अभी जो है जो आपके स्ट्रेंथ है, अभी पूरे साल आपने ये देखा होगा कि कौन से चैप्टर को कितना वेटेज है, अकॉर्डिंगली आपने वो प्रिपरेशन भी किया होगा. ज़्यादा वेटेज वाले जो चैप्टर से आपने प्रिपेयर किए होंगे. सो अभी आपको इंस्टेड ऑफ कन्फ्यूजन यू हैव टू फोकस ऑन कि कौन सा मेरा जो चैप्टर है अच्छा प्रिपेयर्ड है, और जो ज़्यादा वेटेज वाले जो चैप्टर्स है उसी के क्वेश्चन पेपर लेके उसमें जो बार बार क्वेश्चंस आए हैं उसी को लिख के उसी के आप प्रैक्टिस करिए. जो वीक एरियाज है उसमें पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, जो भी स्ट्रांग एरियाज है उसी को आप उसी का रिविजन करके यू शुड फोकस ऑन दोज विच जो आपकी स्ट्रेंथ है उसी में फोकस करके उसी पे कॉन्फिडेंटली करिए. कमिंग बैक टू फरमान्स क्वेश्चन, मिस मानसी उन्होंने कंपैरिजन का भी प्रॉब्लम बताया, उनके पेरेंट कंपेयर करते हैं विद रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन. सो ऐसे केस में व्हाट ही शुड डू? देखिए ऐसे केस में बेसिकली हमेशा बच्चे को, क्योंकि मम्मी जैसे मैम ने बोला कि मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशन होती है कि हमसे अच्छा बच्चा करे, तो ये बच्चे को ऑफकोर्स सुनना चाहिए और ये चीज़ समझनी भी चाहिए, पर एट द सेम टाइम उसको अपने थॉट्स पे भी एकदम फोकस रखना चाहिए एग्जैक्टली कि उसके दिमाग में अपनी इमेज को लेके क्या चल रहा है, क्योंकि जैसे ही उसकी अपनी इमेज अपने ख़राब होती है उसी हिसाब से उसको लगना शुरू हो जाता है कि नहीं यार मैं बहुत इन्फीरियर हूँ दूसरे लोगों से. और शायद माँ बाप चाहे नेचुरली भी नॉर्मली भी कह रहे हों कि उस बच्चे ने ऐसा किया है तो तुम ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन कई बार बच्चे फिर उसको गलत सेंस में ले जाते हैं कि अरे मेरे को और उसको दोनों को हम लोगों को कंपेयर किया गया है. तो बेटर इज़ के ट्राई टू टेक वट एवर इज सेड इन अ गुड सेंस, नॉट एग्जैक्टली कि आप नेगेटिवली उसको लेकर जाएं. जी एक और प्रश्न आया है हमारे पास रोहित पाल जी का, क्लास 10th के स्टूडेंट है. मिस विदुषी मे बी यू वुड लाइक टू आंसर दिस. उनकी क्लास टीचर कहती है प्रैक्टिस लाइक प्रैक्टिस एंड परफॉर्म लाइक एन एथलीट ड्यूरिंग बोर्ड एग्जामिनेशन. So it's create lot of stress on him and his friends. So what he should do? बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं वो हमसे उनकी एक्सपेक्टेशंस हमसे होती हैं और वो चाहते हैं कि बच्चे बहुत रिगरस प्रैक्टिस करें और पढ़ते रहें, बट आपको अपने पेस का ध्यान रखना है और आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस में कम्फर्टेबल हैं. अगर आपको लगता है कि आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपना काम करते रहें, आपको स्टडी टीचर या पेरेंट्स जो कहते हैं वो इसीलिए कहते हैं कि आपकी स्टडीज़ जो हैं वो प्रिपरेशन अच्छी हो, अच्छे से आप अपना काम कर सकें, तो अगर आप अपने पेस पे रह के और अपने तरीके से अगर काम पूरा कर रहे हैं, स्टडीज़ पे फोकस कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई किसी टीचर को या पेरेंट्स को
कुछ दिक्कत होगी, और आपको भी जब उनका रिजल्ट आपका सामने आएगा या आपकी प्रिपरेशन वो देखेंगे कि ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको और स्ट्रेस करेंगे या कहेंगे उसके लिए। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी प्रिपरेशन ठीक चलनी चाहिए और आप अपने आप को अपने पेस पे तैयार करें एग्जामिनेशन या जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो भी वर्क है उसके लिए। आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड इन दिस, सी रोहित, जब भी पेरेंट्स और टीचर्स हमें कुछ कहते हैं तो अभी ये टीचर का क्या कहना है कि यू परफॉर्म लाइक अ एथलेट। सो व्हेन शी इज़ टॉकिंग अबाउट एथलेट, उनका कहना है कि एथलेट जैसे प्रैक्टिस करते हैं वैसे करो। सो एथलेट मीन्स दैट पर्सन, वी आर सपोज टू पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में हम जब पार्टिसिपेट करते हैं उसका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है टू डेवलप क्वालिटी ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप अमंग द स्टूडेंट्स। इट्स नॉट फॉर विनिंग और लूजिंग, जस्ट पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट इन एनी स्पोर्ट। दिस इज द वन क्वालिटी शी वॉन्ट्स टू डेवलप इन यू। देन अनदर थिंग इज दैट अच्छा एथलेट बनने के लिए यू हैव टू बी फिजिकली वेरी वेरी स्ट्रांग। So this is true for the this examination also. When you want to prepare well and do well in the examination, you have to take care of your physical health. You have to get nutritious diet, proper rest lena chahiye. Ye uska matlab hai. Aur dusra, when she is saying as an athlete, that means you have to practice. Jitna hum practice karte hai, utna hum confidently examination mein लिख पाते हैं। सो दैट वी हैव टू कंसिडर कि वो टीचर का इंटेंशन क्या है वो देख के करना चाहिए, ना कि टेंशन लेके। तो आई होप रोहित जी को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया है। सो इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर है फोन लाइन पर। नमस्कार, अपना नाम बताएं। मंगेश। हाँ जी मंगेश जी, अपना प्रश्न बताएं। मैम, नीट की स्मार्ट प्रिपरेशन कैसे करें? बहुत सारे बच्चे मेरे दोस्त डिप्रेशन में जा रहे हैं। जी, आप कौन सी क्लास में हैं? 12th पास आउट। ओके, 12th पास आउट जी। हाँ, नीट की प्रिपरेशन का इनका जो सवाल है मंगेश जी, अब ठीक है आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, लेकिन डॉक्टर बनने से पहले डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये क्या बात हुई? अभी आपने 12th पास कर लिया, अच्छे से आपको अच्छे ग्रेड्स आए होंगे, आपको आगे जाके एग्जामिनेशन देना है, डॉक्टर बनना है और लोगों को आपको ठीक करना है, आपको खुद डिप्रेशन में नहीं जाना है। तो एक तो जो है आपको जो टेक्स्ट बुक्स उसके प्रिस्क्राइब है वो अच्छे से करने हैं, और जो ये हमारी नेशनल टेस्ट एजेंसी वो जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रही है उनके वेबसाइट में जाके आप उसका डिटेल एग्जाम डिटेल क्या है वो देखिए, सारे उसने कितने पेपर्स है, कितने कितने नंबर्स के है, कितने ऑब्जेक्टिव है, वो जो वेबसाइट है nta.neet.nic.in वो अभी खोल के उसमें आप देखिए, यू विल गेट ऑल द आंसर्स। ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड कि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छा है, आपका गोल एक क्लियर है, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप अपना एक बैकअप ज़रूर रखें, नॉट लाइक कि सिर्फ मुझे डॉक्टर ही बनना, देर आर सो मैनी अदर थिंग्स दैट यू कैन डू विद साइंस स्ट्रीम। तो प्लीज़ कीप योर माइंड ओपन और चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखें, बैकअप ज़रूर बनाएं अपना एक। जैसे कि डॉक्टर श्रद्धा धीवल और विदिशु जी ने कहा था कि परफॉर्मेंस एंड पेस की बात की थी, उसी से जुड़ा हुआ दो प्रश्न हैं, मैं पढ़ देती हूँ। एग्ज़ाम में लिखते लिखते थक जाते हैं और एग्ज़ाम के समय के अकॉर्डिंग अपना एग्ज़ाम फिनिश नहीं कर पाते, किशोर जी का प्रश्न है। और रिंकी जी का प्रश्न है, एग्ज़ाम में स्पीड की वजह से इनको स्वेटिंग काफ़ी होती है। तो ये दोनों प्रश्न का अगर आप उत्तर दे पाए डॉक्टर। ओके, एक तो हाथ थक जाते हैं, इसका जो सीधा सीधा मतलब है कि आपने बेटा उसके राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की है, क्योंकि नाइन्थ तक क्या हो रहा है कि जो पेपर होता है वो बहुत कम ड्यूरेशन का होता है, आधा घंटे का, एक घंटे का, और सडनली टेंथ में जाके हमें 3 घंटे पेपर लिखना होता है। सो द चिल्ड्रन आर नॉट प्रिपेयर फॉर दैट। सो सबसे पहले तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि एक क्वेश्चन पेपर लेके घड़ी लगा के आपको बैठना है। तो इनिशियली क्या होगा कि 3 घंटे का जो पेपर है आप 3 घंटे में कंप्लीट नहीं कर पाओगे, हो सकता है 4 घंटे लगेगा। द सेम पेपर यू नेक्स्ट डे अगेन राइट इट, आपको तब तक प्रैक्टिस करनी है कि जब तक आपका वो पेपर 2.5 घंटे में पूरा ना हो। तो जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस राइटिंग स्पीड इज़ वेरी वेरी इसेंशियल, क्योंकि टेंथ में जाके कई सारे बच्चे होते हैं कि जिनका पर्टिकुलरली मैथ्स और इंग्लिश का पेपर जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाते क्योंकि उनका राइटिंग का स्पीड नहीं है, क्योंकि ये व्हाट्सएप की लैंग्वेज लिख लिख के हमने अच्छा लैंग्वेज वो लिखने में उनको
दिक्कत होती है, मतलब दे आर नॉट मोटिवेटेड टू राइट, क्योंकि आई से छोटे क्लासेस में मैंने देखा है कि जो फिफ्थ सिक्स में बच्चे बिना लिखे वापस आते हैं और कहते हैं कि मेरा मूड ही नहीं था लिखने का. सो वो हमें जो है बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले वो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. अभी मैंने यू वुड लाइक टू शेयर मैम, पर इससे पहले कॉलर वी हैव अ कॉलर ऑनलाइन. नमस्कार, अपना नाम बताएं. मेरा नाम करण है. जी करण, आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 11th में पढ़ता हूँ. ओके, स्ट्रीम? मेरी स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज है. ह्यूमैनिटीज, ओके. अपना प्रश्न बताएं करण. अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हेन आई सिट टू स्टडी आई ओपन माय बुक एंड आई जस्ट कीप लुकिंग, आई कांट फोकस एट ऑल. सो दैट्स माय क्वेश्चन, लाइक हाउ डू आई एनरिच माय फोकस सो दैट आई परफॉर्म बेटर. ओके, सो करण क्लास 11वीं के छात्र हैं, उनका प्रश्न है जब भी किताब खोलकर वो पढ़ने बैठते हैं तो फोकस नहीं कर पाते. सो हाउ ही कैन इम्प्रूव दैट? ओके, शैल आई आंसर दैट? यस. तो फोकस नहीं होता है तो सबसे पहले फोकस करने के लिए तो हमें आइडेंटिफाई करना है हमारे डिस्ट्रैक्टर्स क्या क्या है. जी. अभी 11th में है, मतलब पहले तो 10th तक उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है. 11th में ह्यूमैनिटीज़ में आप है तो आपके सब्जेक्ट तो सिंपल है, बट जो जिस तरह से मैंने कहा था कि वो जो 3 R's है उसमें जो है एक लर्निंग टेक्निक है दैट इज़ कॉल्ड SQ 3 R's. तो SQ दैट मीन्स सर्वे, सर्वे सर्वे ऑफ वॉट, सर्वे ऑफ द एंटायर बुक. एंटायर बुक इन द सेंस कि सपोज अभी आप भी हिस्ट्री की आपकी किताब है तो इस हिस्ट्री के किताब में कितने चैप्टर्स है और हर चैप्टर का कितना वेटेज है वो हमें पहले देखना है, क्योंकि हिस्ट्री में भी वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के चैप्टर्स होते हैं तो सारे सारे चैप्टर्स में हमें इंटरेस्ट नहीं होता है. कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिसमें वेटेज भी ज़्यादा है और हमारे इंटरेस्ट के भी है, वो हमने पहले सिलेक्ट करना है. ये हो गया आपका कंप्लीट किताब का सर्वे. देन सेकंड सर्वे मीन्स उस आपने जो चैप्टर आइडेंटिफाई कर लिया है वो चैप्टर आपको खोलना है. वो चैप्टर खोलने के बाद में आपको वो देखना है कि इस जो चैप्टर है उसमें से कौन सा सवाल जो है बार बार पूछा गया है. ठीक है, हर चैप्टर में एक या दो ही ऐसे कंसेप्ट होते हैं कि जिसके बारे में बार बार जो है सवाल पूछा जाता है. एंटायर बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, वही कंसेप्ट पढ़ के फिर हमें उसके ऊपर फोकस करके वो पढ़ना होता है, दैट इज़ कॉल्ड द सर्वे. नाउ द नेक्स्ट इज क्यू, SQ. क्यू मीन्स क्वेश्चन. नाउ यू हैव टू क्वेश्चन, क्वेश्चन टू होम, क्वेश्चन टू योर सेल्फ. When you are reading, you have to ask the question कि जो मैं पढ़ रहा हूँ या कभी ये examination में पूछा गया है या उसका answer नहीं है तो क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ ये मुझे real life में उपयोगी है. अगर दोनों में से एक का answer अगर yes है तभी आगे पढ़ना है, वरना वो नहीं पढ़ना. Now remaining three R's. First R जो है that is read again and again till you understand. Now अगर आपका जब आप पढ़ने बैठे हो तो जब स्कूल में जो पढ़ाते वक्त हमें वो समझ आ गया है तो जैसे ही आप पढ़ने बैठोगे तो तुरंत पढ़ते पढ़ते आपको समझ आ जाएगा, याद हो जाएगा. लेकिन अगर आप क्लास में बैठे नहीं थे या क्लास में टीचर ने जब पढ़ाया तब आपको समझ नहीं आया है या किताब खोल के बैठे हैं और आपके क्रिकेट के मैच का टाइम हो रहा है या आपको फ्रेंड के मिलने का टाइम हो रहा है या टीवी का आपका शो का टाइम हो रहा है, सो इफ़ योर माइंड इज डिस्ट्रैक्टेड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट. आप पढ़ तो रहे हो, जो जो शब्द है शब्द के ऊपर आपकी नज़र है लेकिन वो आपके जो है रजिस्टर नहीं हो रहा है. तो सबसे पहले ये देखना है कि हमारे मन में क्या जो मैं पढ़ने बैठा हूँ सिर्फ पढ़ना ही है या दूसरी कुछ चीज़ है. तो ऐसा अगर है तो वो पढ़ने के बाद में वो रजिस्टर हो जाएगा. दूसरी बात जो मैंने पहले रिकॉल के लिए जो कहा था कि पढ़ने के बाद में हमें किताब बंद करके देखना है कि मैंने जो पढ़ा उसमें से कितना याद है, दैट इज़ कॉल्ड रिकॉल. एंड थर्ड थिंग रिविजन. किसी भी परीक्षा में जाने से लिए कम से कम 3 बार पूरी रिविजन होनी चाहिए, दैट इज मस्ट. इसमें हम कुछ और ऐड करना चाहते हैं जो मैम ने कहा कि डिस्ट्रक्शन जो है वो अपने आइडेंटिफाई ज़रूर करना है. और आजकल जो हम जो देखा जाता है कि बच्चों का सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन है जो भी ये टेक्नोलॉजी है या आप मोबाइल कह सकते हैं, इंटरनेट है. तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये फोकस करना है कि जब भी आप पढ़ने बैठें तो आपके आसपास कोई भी इस तरह का गैजेट्स नहीं होना चाहिए. उससे क्या होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे पास में मोबाइल रखे बैठे हैं और उसके बाद जैसे ही उसमें वीप करा कि शायद किसी का मैसेज आया या कोई व्हाट्सएप चेक कर लें, तो ये अपने आप में एक डिस्ट्रैक्शन है बहुत बड़ा. तो आपने ये देखना है कि अगर 1 R आपने स्टडी के लिए अलॉट किया है तो उस टाइम आप सिर्फ स्टडी
करेंगे और जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, चाहे वो मोबाइल हो, आपके फ्रेंड्स की कोई कोई कॉल आ रही है या कुछ भी है, एक घंटे सिर्फ स्टडी के लिए। डिस्ट्रैक्शन के लिए आपको ये भी देखना है कि जो मैम ने बताया कि कौन कौन सी चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उनको आप ज़रूर, अगर आपको लगता है कि आपको रियली इंटरेस्ट से आप पढ़ने बैठे हैं तो आपको ये देखना है कि कौन कौन से हैं, उनको नोट डाउन कर लीजिए। 10 मिनट अगर आप इसको करेंगे कि कौन कौन से डिस्ट्रैक्शन हैं और उनको हम नोट डाउन कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि इस तरह की प्रैक्टिस अगर आप रोज़ 10 मिनट्स करेंगे तो अल्टीमेटली आपको लगेगा कि हमारे इतना टाइम जो हमने किया है वो वेस्ट हुआ है। 10 मिनट्स मैंने राइट डाउन किया कि क्या क्या चीज़ें हमारे दिमाग में आ रही थी, तो ग्रेजुअली करके आप खुद फोकस करने की आपकी कंडीशनिंग हो जाए। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं। हाँ जी मैम, आप ऐड करना चाहेंगे? मैम, जैसे मैम ने, दोनों टीचर्स ने इतने अच्छे टिप्स बताए हैं आपको, काउंसलर्स ने, मैं बस एक छोटा सा यही एडिशन करना चाहूँगी कि समटाइम्स वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड ऑल्सो, लाइक वी कैन डू स्मॉल यू नो एक्सरसाइजेस सो दैट इट विल हेल्प अस टू फोकस, टू ब्रिंग बैक ऑल द थॉट्स फ्रॉम हेयर एंड देयर एंड टू फोकस ऑन वॉट एवर वी आर लर्निंग और वॉट वी आर रीडिंग। लाइक वॉट यू कैन डू इज़ कि आप एक छोटे से ब्लैंक पेपर पे, वाइट ड्राॅइंग शीट पे, एक स्क्वायर साइज आप शीट ले लीजिए, उसके बीच में आप एक ब्लैक कलर का डॉट अच्छे से बनाकर एंड पेस्ट इट ऑन योर आई लेवल एंड इन इन ऑन दैट डेस्क और एनी वेयर जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं बैठ के, सो दैट वेन एवर यू सिट टू स्टडी आप क्या कर सकते हैं कि उस डॉट को without blinking your eyes, without moving your body, keeping your back straight, neck straight, you can focus on that dot. When you focus on that dot, धीरे धीरे हो सकता है आपकी आंखों में से पानी भी आएगा। Around 6 minutes तक you should do it. शुरू शुरू में आपको 1 मिनट 2 मिनट, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है तो धीरे धीरे हो जाएगा, बट लास्ट 6 मिनट तक करना चाहिए। इट विल हेल्प यू टू ब्रिंग बैक ऑल योर थॉट्स फ्रॉम हेयर एंड देयर एंड टू फोकस ऑन योर स्टडीज। तो YouTube लाइव स्ट्रीम के द्वारा भी हमें काफ़ी सारे प्रश्न आपके प्राप्त हो रहे हैं। एक प्रश्न भेजा है रोहित कश्यप जी ने, उनका प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में क्या साइंस के डायग्राम्स कलरफुल बना सकते हैं? डॉक्टर श्रद्धा, कलरफुल इन द सेंस कि ऐसे कहा जाता है कि व्हेन वी ड्रॉ समथिंग इन द नोटबुक, सो इसमें 2 से ज़्यादा कलर नहीं चाहिए, और जो हम ड्राइंग में कलर करते हैं उस तरह से तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि साइंस में कलर करना इट्स नॉट एक्सपेक्टेड। जी अगला प्रश्न आया है एक व्यूअर का, उनका प्रश्न है सजेस्ट बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर नाइट स्टडी। सो नाइट स्टडी, व्हाई ओनली नाइट स्टडी? इट्स एक्चुअली बेस्ट स्ट्रेटजी, जब हम कहते हैं कि एवरी पर्सन हैज हिज, जो स्ट्रैटेजी उनके लिए वर्क करती है दैट इज बेस्ट स्ट्रैटेजी। कुछ जो बच्चे हैं, कुछ लोग जो है रात को देर तक जाके पढ़ना उनको सूट करता है, किसी को सुबह जल्दी उठ के पढ़ना सूट करता है। सो होल्ड नाइट जाके पढ़ना इट्स नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन यू हैव टू रीच टू द एग्जामिनेशन हॉल एट 10 o'clock, तो ड्यूरिंग दैट एग्जामिनेशन आप रात भर स्टडी तो कर नहीं सकते जी। और रात भर स्टडी करके आप सुबह फ्रेश नहीं उठते। अभी सपोज आपने पूरी रात जाके आपने 4 बजे तक पढ़ाई की, 4 बजे आप अगर आप सोते हो तो यू विल गेट अप एट 8 o'clock, सो एंड यू विल नॉट फील फ्रेश, क्योंकि रात से 12 से 4 बजे का जो टाइम होता है वो दैट गिव्स यू एंटायर, जो आपकी नींद जो गहरी नींद होती है उसमें हमारा जो थकान है वो पूरी निकल जाती है, और अगर उस ड्यूरेशन में नहीं सोए तो वो जो है हमारा उस जो पूरी थकान जो है उभर के नहीं निकलती जी। हमें ऐसे लगता है बट वैसे नहीं करना चाहिए। सो द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर नाइट स्टडिंग शुड नोबडी शुड अडॉप्ट इट। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 12-1-2 बजे तक आप पढ़ के दिन आप सो जाओ 3-4 घंटे और सुबह 6 बजे आपको उठना है जी। तो पहले तो आपको 24 घंटे जो है ना, हमारे दिन में जो 24 आवर्स है वो 24 आवर्स का एक क्लॉक बनाना है। okay. पूरा क्लॉक बना के वो 12 बजे से उस घंट वो 24 आवर्स हमें इस तरह से ड्रॉ करना है कि 12 से 6 बजे मैं सो रहा हूँ, 6 से 2 बजे तक स्कूल में हूँ, 2 से 4 बजे तक आई एम गोइंग टू ट्यूशन, देन 4 से 12 बजे तक इतना टाइम मेरे पास में है, सो हाउ आई कैन यूटिलाइज दैट। तो अगर इस यही 24 घंटे का अगर हम प्लानिंग इनिशियली बिगिनिंग ऑफ द ईयर कर रहे हैं तो हो सकता है हम सोने के लिए ज़्यादा टाइम देंगे,
और पढ़ने के लिए ज़्यादा कम टाइम देंगे, लेकिन जो है अभी ये ड्यूरेशन ऐसा है कि सोने का थोड़ा टाइम कम करके हमें दूसरा सारा डिस्ट्रैक्शन, टीवी का टाइम कम करना है, ट्यूशन जाने का टाइम कम करना है, और ज़्यादा फोकस जो है सेल्फ स्टडी पे करना है। तो वो टाइम मैनेजमेंट हमें इस तरह से करना है कि जो टाइम हमें मिल रहा है उसके 4 से 6 घंटे हमें पढ़ना ज़रूरी है, और 4 से 6 घंटे भी हमें इस तरह से करना है कि आगे आपका जो डेट शीट है वो काफ़ी इंटेलिजेंटली बनी हुई है कि हर सब्जेक्ट के बीच में 3-3, 4-4 दिन का गैप है, तो एक कम से कम एक रिवीजन आप उस 3-4 दिन में आप अच्छे से कर सकते हो। सो मेन थिंग इज़ दैट ओनली कि 24 घंटे में से आपको अपना टाइम डिवाइड करके वो जो स्टडी के लिए आप टाइम कर रहे हो उसको आपको डिवाइड करना है, और उसमें भी जो है कि जैसे जो मेजर स्टडी स्किल्स के टिप्स मैं हमेशा देती हूँ, सो यू हैव टू हैव योर ओन स्पेस, नॉ स्पेस डजंट मीन यू नीड टू हैव योर एंटायर रूम, बट एक जगह होनी चाहिए कि जहाँ पे आप रोज बैठ के पढ़ोगे, टीवी से दूर या कंप्यूटर से दूर, मतलब जो जहाँ पे भी आपका कंसंट्रेशन होता है एक आपकी स्टडी स्किल्स होनी चाहिए। देन दूसरा जो है व्हेन यू आर सिटिंग फॉर द स्टडी यू हैव टू सेट द गोल, अगर एक घंटा आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हो तो आपको ये डिसाइड करना है कि एक घंटे में मुझे क्या पढ़ना है, क्योंकि एक घंटे में पूरी किताब नहीं पढ़ी जाती, एक 2 या 3 चैप्टर हमने पढ़ना होता है वही करना है, और एक बार जब हमने बैठे हैं तो पहले 1, 2, 3 ऐसे चैप्टर्स करने हैं, अगली बार व्हेन वी आर टेकिंग द अनदर दैट सेम सब्जेक्ट तो पीछे से शुरू करना है। जी, सो वी हैव गॉट एक चीज और ऐड करना, वी हैव गॉट अ कॉलर ऑनलाइन, सो हु इज नेक्स्ट? हेलो, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज पृथ्वी। सॉरी, प्लीज रिपीट इट। पृथ्वी, व्हाट्स योर नेम? My name is Rijwal. Okay. Brijmohan. Okay. In which standard you are in? I'm in 11. आप कौन सी क्लास में हैं? 11th, 11th, 11th कक्षा में पढ़ता हूँ मैं। जी, आप कौन सी स्ट्रीम में हैं? मैंने साइंस लिया। जी, अपना प्रश्न बताएं। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे ही मैं मान लीजिए मैं पढ़ने बैठ गया और मैंने अच्छे से पढ़ाई कर भी ली और फिर एकदम मुझे रात को एग्जाम से एक दिन पहले मुझे ऐसा लगता है कि जाने अब क्या होगा, और फिर जब हम असलियत में जाके बैठते हैं तो वहीं हाथ कांपता है, तो बहुत डर लगता है। मैं आप इसका हमें कोई इलाज बताइए। जी बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो कोई वजह नहीं होनी चाहिए कि आपको आपका आपको डर लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता भी है कि आप वेल प्रिपेयर्ड भी हैं और उसके बाद भी आपको डर लगता है, कहीं ना कहीं आपको कुछ एंग्शियसनेस या एंग्जाइटी रहती है, तो उसके लिए आपको ये देखना है कि आप अपनी प्रिपरेशन जब से कर रहे हैं या जब पढ़ते हैं तो किस तरह से कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने आप को बहुत स्ट्रेस्ड कर रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं सारे दिन पढ़ते रहते हैं, बुक्स लिए घूमते रहते हैं। तो ये ज़रूरी है कि अगर आप इतना स्ट्रेस फील कर रहे हैं, आपको एंग्जाइटी हो जाती है, आपके हाथ कांपने लगते हैं, तो आपको ज़रूरी है आप अपना एक शेड्यूल बनाएं, कुछ टाइम अपना पढ़ाई का जो भी टाइम आप शेड्यूल बना सकते हैं पढ़ाई के लिए वो रखिए, और उसके बाद आप थोड़ा सा टाइम अपने आप को फ्री रखें जिसमें आप अपना कोई भी रिलैक्स होने का काम करें। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, कुछ मेडिटेशन कर सकते हैं, और उसके अलावा एक कॉन्फिडेंस अपने में लाइए कि आपने जो प्रिपेयर किया है वो आप वहाँ पे लिख पाएंगे। पॉजिटिव सोचते रहिए, और उसके अलावा आपको ये देखना है कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने बहुत अच्छे से कर ली हैं। कुछ चैप्टर्स आप ऐसा करिए जो अपने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट उठ के बना लीजिए, और आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कमांड होना चाहिए कि वो सारे क्वेश्चंस जो हैं हम अच्छे से कर पाएंगे। एग्जामिनेशन में भी जब आपके पास पेपर आए 2-3 मिनट आप अपने को टाइम दीजिए, डीप ब्रीदिंग करिए, और उसके बाद देखिए कि सबसे ज़्यादा अच्छे से आपको कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहले उनको अटेम्प्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा ब्रिजमोहन जी से बात करना चाहूँगी, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि आप अच्छे से पढ़ लेते हो लेकिन आपको डर लगता है, तो सबसे पहले आपको ये डर देखना है कि आपको किस चीज़ से डर लगता है। क्या पेरेंट्स से डर लगता है कि अगर मैं 12th में अच्छे ग्रेड्स नहीं लाऊंगा तो मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, या अगर आपका किसी के साथ कंपैरिजन हो रहा है तो वो तो आगे चला गया मैं पीछे रह गया। बट ब्रिजमोहन जी, यहाँ पे हमें एक चीज़ सीखने की ये ज़रूरत है कि हम ये समझते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसमें अच्छे ग्रेड्स आएंगे और फिर मुझे अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगी और फिर मैं अच्छा डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। ये प्रिपेयरिंग वेल एंड ग्रेटिंग गेटिंग ग्रेड्स इज ओके,
ये आपको आगे जिंदगी में फैसिलिटेट करता है. लेकिन जब हम साइंस पढ़ते हैं तो साइंस का जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज़ डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड, जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, देन सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड देन गेटिंग द फीडबैक. जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग एक्यूरेसी, लर्निंग ट्रस्टवर्दीनेस. जब इसी तरह से हम जब लैंग्वेज पढ़ते हैं तो लैंग्वेज का ऑब्जेक्टिव होता है लर्निंग कम्युनिकेशन स्किल. ये हम क्या करते हैं कि ये सारे सब्जेक्ट्स में हमें अच्छे ग्रेड्स लाके अच्छा कॉलेज मिलना है, अच्छी जॉब मिलना है, यहाँ तक हम सीमित रह जाते हैं. लेकिन इंस्पाइट ऑफ गेटिंग द गुड ग्रेड्स एंड गेटिंग द एडमिशन इन द बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस, द पर्सन मे नॉट बी सक्सेसफुल इन द लाइफ. द एक छोटे से कॉलेज में एडमिशन लेके भी अगर जितना अगर हम एफर्ट्स करते हैं तो लाइफ बिकम्स मोर सक्सेसफुल. सो ये जो डर है कि मुझे अच्छे बहुत अच्छे ग्रेड आने चाहिए, बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, इससे हमें हटकर हमें लाइफ में जो है एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव चाहिए कि व्हाट आई वांट टू बी. इट्स नॉट नेसेसरी डॉक्टर या इंजीनियर, आप बहुत अच्छे रिसर्चर्स बन सकते हो. जो फार्मिंग की हमारी जो आजकल की जो कंडीशन है, अच्छी तरह से फार्मिंग में जो डिस्कवरी करके रिसर्च करके हम हमारे फार्मर्स को आगे ला सकते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज पे कुछ काम करके हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं. सो हैव द ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव इंस्टेड ऑफ ओनली हैविंग मोर ग्रेड्स एंड स्मॉल जॉब, गो बियॉन्ड दैट, हैव मोर ऑब्जेक्टिव, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव. यूट्यूब लाइव स्ट्रीम के द्वारा हमें एक प्रश्न प्राप्त हुआ है नूर जी का. दो वी फोकस मोर ऑन स्कूल स्टूडेंट्स बट शी इज अ मेडिकल स्टूडेंट एंड शी ऑलवेज वरीड अबाउट हर फ्यूचर, सो प्लीज गिव सम एडवाइस. अभी जो मैम ने कहा है मुझे लगता है वो बहुत ठीक है कि हमको अपनी लाइफ का ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव देना चाहिए. वो मेडिकल में करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है. शी इज अ मेडिकल स्टूडेंट, अभी कर रहे हैं मेडिकल. हाँ, तो नेचुरली वो अपने करियर के बारे में इतने चिंतित हैं, इतने अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं. लेकिन उनको साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि मेडिकल के साथ साथ जो है वो उनकी अपनी लाइफ भी है, एक पर्सनल लाइफ भी होती है. जो भी हम जब बात करते हैं किसी भी प्रोफेशन की तो वो हमारे एक लाइफ का एक पार्ट होता है, चाहे वो मेडिकल हो या टेक्निकल हो, जो भी है. उसके अलावा हमारी अदर लाइफ भी हैं. तो आपको ये अदर लाइफ्स के बारे में, हमें और भी प्रायोरिटीज़ होती हैं लाइफ की, तो हमको ये देखना है कि हम अपने जो करियर बनाना चाहते हैं उसके साथ साथ हम अदर अपनी एक्टिविटीज़ और क्या क्या कर सकते हैं. मेडिकल में भी, मेडिकल के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं, जब वो साइंस के स्टूडेंट हैं, मेडिकल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली और अदर फील्ड हैं जो उनको, जिसमें वो आगे जा सकते हैं और उसमें भी कुछ अपने प्रोस्पेक्टिव दे सकते हैं. तो जो उन्होंने बोला है शायद कि वो उनको फ्यूचर के बारे में चिंता रहती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल इतने ज़्यादा स्कोप है और साइंस का तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो बहुत अच्छा कहीं ना कहीं इस पे अगर वो अपने स्टडीज़ पे फोकस करते रहेंगे और अपना इंटरेस्ट लेके अपना फील्ड में काम करेंगे तो डेफिनेटली उनका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा. दैट मींस शी शुड एक्सप्लोर मोर. हाँ, एक्सप्लोर मोर. लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड करियर ऑप्शंस, डेफिनेटली. जी, इसी के साथ मे बी मिस मानसी यू वुड लाइक टू आंसर दिस. प्लीज गिव सम टिप्स फॉर फिजिक्स एग्जाम बोर्ड क्लास 12. फिज़िक्स एग्ज़ाम के लिए तो जैसे मैम ने पहले भी मेंशन किया है शुरू में सेशन के एनसीईआरटी से डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपके पास यूट्यूब चैनल पे मटेरियल उपलब्ध है. तो इट विल बी मोर प्रिसाइज के आप वहाँ पे अपना जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्लस जो एक पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें आपको प्रॉब्लम है, जो आपको लगता है कि मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, यू शुड डेफिनेटली रेफर टू दैट यूट्यूब चैनल ऑफ एनसीईआरटी. मे बी सम जनरल टिप्स यू कैन गिव, नॉट पर्टिकुलरली फिजिक्स बट मे बी 12th क्लास में हैं वो, तो अगर आप कुछ हमें टिप्स दे पाए. 12th क्लास में बेसिकली अगर आप, मैम वैसे सब कुछ कवर कर चुके हैं, आप जब पढ़ाई के लिए बैठते हैं, मैम ने SQR 3R की जो टेक्निक बताई है, इट्स अ वेरी वेरी गुड टेक्निक जो कि हम यूज़ कर सकते हैं. प्लस मेन जो एक चीज़ मुझे लगती है जो 12th क्लास में कभी कभी मिसिंग होती है, दैट इज़ यू नो, पढ़ाई का टाइम हम पूरा रख लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट हम सब कर लेते हैं, पर जब हम हमारी मेंटल हेल्थ पे आती है या जब हमें होता है कि हम शांत अगर दिमाग से रहेंगे तो हम उतने अच्छे से ही अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं. लाइक हिलते हुए पानी में आप अपनी शक्ल नहीं देख सकते हो, सिमिलरली जितना ज़्यादा मन में या जितना ज़्यादा दिमाग में से खलबली रहेगी, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चन, डिस्पाइट ऑफ आपने चाहे पूरे साल पढ़ाई करी हो, चाहे आपने नहीं करी हो, चाहे आप एंड टाइम पे पढ़ रहे हो. एक मिनट मैं बता देती हूँ,
बेटा ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सारे क्वेश्चन पेपर जो है ये cbse.nic.in पे सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है और उनका हर चैप्टर का वेटेज उनको पहले से पता होता है और वेटेज के अनुसार जो उनकी स्ट्रेंथ है उसके अनुसार वो प्रिपेयर भी करते हैं. द फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई सिलेबस. सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर है, कौन से चैप्टर को कितना वेटेज है और कौन से चैप्टर्स के जो वेटेज के अनुसार उनको जो अच्छा लगता है उनके उनके जो कंसेप्ट क्लियर है. और दूसरी एक चीज़ करनी है जो क्वेश्चन पेपर उनके पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर निकाल के हमें यह देखना है कि कौन से टॉपिक पे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है और उसी को बार बार प्रैक्टिस करें. उसको पढ़ के पहले तो किताब में देख के लिखना है आंसर और फिर वो दूसरी बार जो है किताब बंद करके उसको लिख के देखे. इस तरह से वो क्वेश्चन की कुछ अभी थोड़ा समय बचा है इसलिए जो आपकी जो स्ट्रेंथ है वही क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके उसको ही लिखने की बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको अराउंड 60% मार्क्स ऐसे मिल जाए जी. और इसी के साथ अगला प्रश्न है बोधि सत्व जी का. उनका प्रश्न है आई एम टू टेंस्ड अबाउट माई 10th एग्जाम बिकॉज ही हैजंट कम्प्लीटेड रिविजन येट. देखिए पहली बात तो मैं 10th के स्टूडेंट से ये कहूँगी कि जो टेंशन वाली बात है उसको ख़त्म कर दें क्योंकि आप जो बता रहे हैं कि आपने रिवीजन का टाइम है आपका, आपने अपना प्रिपेयर तो कर ही लिया है और जो मुझे लगता है कि बोर्ड्स के जो एग्ज़ाम हैं उसमें सब प्री बोर्ड स्कूल्स में हो गए हैं तो आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है और रिवीजन आपका बाकी है तो रिवीजन के लिए तो आप अपना कुछ एक शेड्यूल बना लें कि कौन कौन से चैप्टर जो हैं उसमें क्या क्या आपको कवर करना है, कितने सब्जेक्ट हैं, थोड़ा सा स्लॉट इस तरह से डिवाइड कर लें कितने सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं जो कवर करने हैं, कौन जो एक चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं जिस पे हमको काम करना है, इस तरह से करके आप अपना रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हैं. अभी सफिशिएंट टाइम है और इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा अब जो टाइम है मुझे ऐसा लगता है जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको अपना टाइम थोड़ा सा इस बात पर देना है कि हम फिज़िकली और मेंटली हेल्दी रहें. आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी फिज़िकल हेल्थ भी फिट होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप जो हैं खाना नहीं खा रहे, रूटीन नहीं बनाया, टेंशन में हैं तो उससे क्या होता है कि आप स्ट्रेस हो जाएंगे और एग्ज़ाम जो भी एक दो दिन आपका अगर कहीं भी आपको थोड़ा सा भी आप अगर वेलबींग आपकी नहीं रही, आपको लगता है कि हम फिट नहीं हैं तो काफ़ी टाइम आपका उसमें चला जाएगा. तो हर बच्चे को मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, अपने को रिलैक्स रखना है और साथ के साथ रिवीजन अगर आप अपना टाइम शेड्यूल बना लेंगे, रूटीन से नहीं हटना है. बहुत बार क्या होता है एग्जामिनेशन में बच्चे रूटीन नहीं फॉलो करते हैं, कभी सो रहे हैं, कभी उठ जाते हैं, कभी पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर रूटीन बना रहता है तो आपकी मेंटल और फिजिकल दोनों तरह से आप हेल्दी महसूस करते हैं, एनर्जी महसूस करते हैं. हेल्दी डाइट लीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए और अभी सफिशिएंट टाइम है आप अपना रिवीजन कंप्लीट कर. एक सेंटेंस में बोलो. हाँ बोधिसत्व जी, एक तो पहले आपने जो रियलाइज किया कि मेरी रिवीजन नहीं हुई है, मुझे ये करना है, इट्स अ बेस्ट थिंग. अभी रिवीजन नहीं हुई है मतलब उन्होंने स्कूल में पढ़ लिया है लेकिन सेल्फ स्टडी नहीं की है, वो उनका यह मतलब होगा. तो अभी उनका जो है इंग्लिश का पेपर जो है उनका 26 को है, तो अभी आज की कितनी 5 ही तारीख है, तो ऑलरेडी 21 days आर देयर इंग्लिश करने के लिए. उसके बाद में जो है साइंस, मैथ्स, एसएसटी हर पेपर में भी 3-3, 4-4 दिन का गैप है. तो वो करना चाहते हैं वो तो उनकी रिवीजन अच्छे से हो सकती है. अभी आपने प्लान कर लिया है 15 दिन का टाइम टेबल इस तरह से बना लीजिए कि हर सब्जेक्ट आपका एक एक बार पढ़ने का हो जाएगा, आपकी रिवीजन हो गई समझो. तो हमारे साथ एक और कॉलर है ऑनलाइन. नमस्कार, अपना नाम बताएं. राजेंद्र कुमार अहिरवार जी. आप कौन सी क्लास में हैं राजेंद्र जी? 12 जी. अपनी स्ट्रीम बताएं. मैथ साइंस. मैथ्स हाँ जी. आप कहाँ से बात कर रहे हैं राजेंद्र जी? गंजबासोद आईएमपी गाजियाबाद जी. अपना प्रश्न बताएं. मेरा ये प्रश्न है कि मैं अपने कॉलेज को कैसे रिवीजन कर. अपना प्रश्न दोहराएं. मैं अपने कोर्स को जल्द से जल्द रिवीजन कैसे करूं? जी हम उनका प्रश्न सुन नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मे बी सम टेक्निकल प्रॉब्लम इज देयर. हम आगे बढ़ते हैं और आप अपना प्रश्न बताएं राजेंद्र जी. सबसे पहले तो राजेंद्र जी मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप अपने टेलीविजन की आवाज को कम कर दें. यस मैम जी. अब आप अपना प्रश्न बताएं.
मेरा प्रश्न यह है कि मैं अपने कोर्स को कैसे क्लियर कर सब्जेक्ट कैसे क्लियर कर मैं अपने आपको एक और बार दोहराना पड़ेगा आपका प्रश्न, हम समझ नहीं पा रहे हैं। टेंशन क्लियर करो या सब्जेक्ट क्लियर करो, ये नहीं समझ नहीं रहा। हाँ या देयर सम नॉइस। सो चलिए आगे बढ़ते हैं मैम। अगला प्रश्न है हमारे यूट्यूब लाइव स्ट्रीम से, उनका प्रश्न है नरेश यादव जी का। उनका प्रश्न है मैं याद करता हूँ और भूल जाता हूँ, प्लीज कोई स्ट्रेटजी बताए ताकि वो रिटेन कर पाए जो याद किया हुआ है। याद जो मेमोरी की कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनको अगर हम फॉलो कर लें तो उससे हमारा जो भी हमने लर्निंग की होती है वो ज़्यादा अच्छे से याद होता है। उसमें एक तो है कि क्रिएट योर पैलेस, या आप ऐसे समझ लीजिए कि जगह जगह आप जहाँ भी जहाँ फ्रिक्वेंटली जाते हैं, घर में ही आप अगर कहीं जाते हैं तो आप फ्रिज के पास या आप किचन में या अपने स्टडी के प्लेस पे जो भी चीज़ें आपको लगता है कि याद करनी है, डिफ़िकल्टी है, फॉर्मूलाज हैं, छोटे छोटे आप बुलेट पॉइंट्स हैं, वो आप वहाँ पेस्ट कर लीजिए और उनका एसोसिएशन कर लीजिए। ये एसोसिएशन टेक्निक है कि आपने फ्रिज पे अगर कोई अपना कोई भी जो भी आपको मेमोराइज करना है मटीरियल आपने लगाया है तो आप थोड़ा सा उसको एसोसिएट कर लीजिए, फ्रिज की एक पिक्चर अपने दिमाग में बना लीजिए और उसके साथ साथ उसको किसी भी तरह से आप देख लीजिए, कोई एनिमल का पिक्चर उसमें विजुलाइज कर लीजिए और उसके ऊपर वो अपना मटेरियल लिख लीजिए। तो इट्स वेरी इजी हो जाता है बच्चों के लिए कि वो उस चीज़ को रिकॉल जल्दी कर पाते हैं, कोई भी इमेज और उसके साथ साथ जो उन्होंने लिखा हुआ है वो भी उनको याद रहता है। तो ये इस तरह से कई जगह आप जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आप घर में घूमते हैं या जिस भी जगह ज़्यादा जाते हैं तो उस तरह जगह जगह उस तरह की एक अपने कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो विजुअलाइज कर लीजिए और उसको अपनी जो मटेरियल है उससे एसोसिएट कर लीजिए। तो वो एक बहुत आसान तरीका होता है आपको, स्पेशली आपको अगर कोई फार्मूलाज याद करने हैं या कोई इक्वेशन याद करनी है इस तरह से। उसके अलावा फ्लैश कार्ड टेक्निक होती है, उसको भी आप फ्लैश कार्ड्स बना लीजिए। अगर आप पढ़ने बैठते हैं उससे पहले एक एक बार करके उनको देख लेंगे, थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स लिख लेंगे, वो भी एक तरीका है। उसके अलावा स्पेस लर्निंग एक होता है। स्पेस लर्निंग में है कि आपको अगर एक लेसन या एक आपको क्वेश्चन का आंसर याद करना है तो आपने एक पैराग्राफ ऐड किया और उसके बाद अपनी आईज क्लोज करके उसको फिर से रिवाइज किया, एक बार अपने मेंटली आपको उसको रिवाइज किया, आपने देखा कि हमको कितना याद था, फिर से आप उसको एक बार रिवाइज करेंगे, फिर से रीरीड करिए और देखिए कि क्या हमने स्किप किया है। इस तरह से करके हम धीरे धीरे करके छोटे छोटे चंक्स में, एक चंक्स लर्निंग भी इसको कहते हैं कि आप चंक्स में पूरा लेसन या आंसर है वो अच्छे से याद कर सकता है। तो एक तो चंक लर्निंग होती है, एक स्पेस लर्निंग की जो हम बात कर रहे हैं उसमें भी लगभग यही टेक्निक है कि आप अगर दूसरे दिन फिर उस चीज़ को रिवाइज कर लिए और इस तरह से। उसके अलावा एक जो आप अपना एक पैलेस जो कहते हैं क्रिएट पैलेस वो कर लीजिए। उसके अलावा जब भी आप पढ़ने बैठें तो अपने क्योंकि रिवीजन का हमारा लर्निंग का एक कुछ टाइम पीरियड होता है तो कोशिश ये करिए कि आप जो भी आप चीज़ें करते हैं लर्न उसको रिवीजन का 2-3 डेज़ के अल्टरनेटिवली या 2-3 डेज़ बाद उनको एक बार एक सरसरी निगाह से देख लें। तो उसमें ये होता है कि वो चीज़ें हमारे जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं और वो हमें हमेशा याद रहती हैं। ऑल्सो आप जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो बेसिकली याद करें, उससे पहले आपने एक बार जब रीडिंग करी है तो उस पैसेज में से या इस पैराग्राफ में से यू शुड आस्क क्वेश्चंस अपने आप से ही कि अच्छा मैंने फॉर एग्जांपल मैंने मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ा है तो किसने शुरू किया था, कौन था, अपने से जितना पढ़ा है उसमें से अपने से ही आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी है वो आपको याद रहेगी बिकॉज यू हैव यू नो क्वेश्चन योर ओन सेल्फ के ऐसा हुआ है। सेकेंडली आप नोट मेकिंग की जो एक स्किल होती है दैट यू शुड ऑल्सो लर्न कि हमें प्रॉपरली नोट्स कैसे बनाने चाहिए किसी भी चैप्टर के सो दैट हम कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक छोड़े ना और कोई भी इंफॉर्मेशन मिक्स ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम याद कर रहे हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है कि इसके पॉइंट्स इसमें, इसके पॉइंट्स इसमें, बिकॉज वी आर नॉट अंडरलाइनिंग, हाईलाइटिंग और मेकिंग प्रॉपर नोट्स। और इसी के साथ अगला प्रश्न है रेखा सिंह जी का, क्लास 10th की स्टूडेंट है। उनका प्रश्न है शी हैज अ फियर दैट वेदर हर आंसर विल मैच द मार्किंग स्कीम्स और नॉट, क्लास 10th। एक्चुअली 10th की एग्जामिनेशन रेखा इतना सिंपल किया है कि पूछो मत, बहुत ही सिंपल किया है।
जैसे 20% आउट ऑफ 100 20% तो इंटरनल असेसमेंट है और वो आउट ऑफ 80% भी 20% जो है ऑब्जेक्टिव है. वो इस तरह से बहुत सिंपल है. मतलब पहले चीज तो उसको जो है डरने की बिल्कुल बिल्कुल आवश्यकता नहीं है डरने की. एंड उसने क्या पूछा था, उन्होंने पूछा whether हम answers will हाँ, match उसका answers will match the number system or not. तो उस ये पूरा आपके cbse.nic.in में सारे मार्किंग सिस्टम दिए हुए हैं. अगर आपने वो सपोज मैथ्स का एक एग्जांपल किया है तो वो अगर 4 मार्क का एग्जांपल है तो पहले फॉर्मूला लिखने से आपको 1 मार्क मिलेगा, दूसरा उसमें वैल्यूज डालने से और 1 मार्क मिलेगा, पूरे आगे कैलकुलेशन करने से होगा, फिर राइट आंसर है तो 1 मार्क. ये सारी मार्किंग सिस्टम मैथ साइंस लैंग्वेजेस सोशल साइंसेस सबकी दी हुई है. सो यू कैन गो एंड सी दैट एक्चुअल में वो पेपर सॉल्व करके उन्होंने दिया हुआ है. तो क्वेश्चन पेपर किस तरह से है, मल्टीपल चॉइस के कितने आंसर है, 1 मार्क के कितने, 2 मार्क के कितने है, ये सब उसमें दिया हुआ है. सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम लाइक दिस गो टू दैट साइट एंड सी एवरीथिंग, एवरीथिंग इज गिवन देयर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन ऑल्सो. मिस्टर अमिताभ जी का प्रश्न है, हाउ टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट विद पेरेंट्स ड्यूरिंग एग्जाम टाइम. सो मे बी डॉक्टर श्रद्धा फर्स्ट यू कैन बिगिन विद. ओके, कॉन्फ्लिक्ट विद द पेरेंट्स लाइक सी व्हेन टू पीपल आर टुगेदर द कॉन्फ्लिक्ट इज बाउंड टू बी देयर इजंट इट. पहले कैसे होता था कि एक इंसान पढ़ा हुआ है दूसरा अनपढ़ है, तो जो पढ़ा लिखा इंसान बोलता था वो अनपढ़ इंसान जो है सुन लेता था. अभी दोनों पढ़े लिखे हैं तो दोनों के ओपिनियन है और कोई भी दो लोगों के ओपिनियन कभी भी सेम नहीं होंगे. तो दो लोग अगर साथ में बैठे हैं तो उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा ही होगा. सो जो अगर हम वहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उस जगह पे अगर सॉर्ट आउट नहीं करते हैं तो फिर आगे जाके वो कन्फ्लिक्ट बनता है. नाउ ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, अभी तो हम प्री बोर्ड की बात कर रहे हैं, 10th एंड 12th की. 10th एंड 12th में बच्चा क्या चाहता है, बच्चे का जो वो इतना मैच्योर नहीं होता है तब. लेकिन पेरेंट्स को लगता है कि अभी ये बड़ा हो गया, अभी उसको 11th साइंस में मिलना चाहिए, उसको डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है. और बच्चे का वो इतना मैच्योरिटी नहीं होती, ही इज़ नॉट दैट मच प्रिपेयर. सो वंस रिसेंटली एक बच्चे को मिली तो उसको मैंने पूछा कि तुम्हें ग्रेड्स ज़्यादा क्यों चाहिए, तो क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं. okay. मतलब चिल्ड्रन आर नॉट क्लियर कि उनको ग्रेड ज़्यादा क्यों चाहिए. right. बच्चे पेरेंट्स चाहते हैं ज़्यादा ग्रेड चाहिए, इसलिए वो चाहिए. सो फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू हैव अ ऑब्जेक्टिव व्हाई आई शुड स्टडी, व्हाई शुड हैव अ मोर ग्रेड्स. अगर उनका अपना खुद का ऑब्जेक्टिव है तो वो पढ़ लेंगे. सो पेरेंट्स को और बच्चे को साथ में बैठ के ये डिसाइड करना है कि हाँ मैं ये ग्रेड्स ज़्यादा लाऊंगा, लेकिन किस लिए लाऊंगा. सो ये पहला ऑब्जेक्टिव उनका क्लियर होना चाहिए. सो द मेन थिंग इज दैट बोथ ऑफ देम हैव टू सिट टुगेदर. एंड द अनदर थिंग इज एट द 12th लेवल, तो जिसे हम करियर मैच्योरिटी की बात करते हैं, तो बाय द टाइम बच्चा 11th में जाता है उसको एक रियलिटी पता हो जाती है. जैसे 10th में सारे इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन 11th में जब जाते हैं जब तब तक उनको यह पता चल जाता है कि मुझे साइंस लेने लाइक इतने ग्रेड्स नहीं मिले हैं, आई कैन नॉट टेक द साइंस, सो आई कैन नॉट बिकम अ डॉक्टर इंजीनियर, सो देन व्हाट. सो 11th में जो है वो रियलिटी पिक्चर आ जाती है. तो अगर पेरेंट्स के अनुसार अगर 11th में साइंस मिला है देन एवरीबडी इज़ हैप्पी, बट इफ द ग्रेड्स आर लेस एंड द चाइल्ड हैज़ टू गेट द ह्यूमैनिटीज देन देर इज़ अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट. सो द पेरेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड कि येस दिस इज़ माई चाइल्ड, ही हैज़ दोज मेनी एबिलिटी, ये उसकी स्ट्रेंथ है, ये वीकनेसेस है. हमें हर इंसान जो है स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का बंडल होता है, लेकिन हम जो है वीकनेसेस एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ना ही पेरेंट्स और ना ही बच्चे. तो हमें ये देखना है कि ये मेरे बच्चे की स्ट्रेंथ है और ये कर सकता है, उसमें हमें फैसिलिटेट करना है. पेरेंट्स का ये रोल है कि ये मेरा बच्चा है ये कर सकता है और मुझे उसके पीछे खड़े होना है जो भी है. वो तो कन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है कि एक समाज में हमें अच्छा जॉब मिल गया, एक अच्छा इंसान बनना है. दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है, बट वो कम्युनिकेशन गैप होता है, बच्चे का मेथड अलग है, पेरेंट्स का मेथड अलग है, इसलिए होता है. बट द मेन थिंग इज दैट बोथ ऑफ देम हैव टू सिट टुगेदर एंड सॉर्ट इट आउट कि हमें ये करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, दैट्स ऑल. मिस विदुषी, हाँ जी, तो मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जो बात मेन वही है कि ऑब्जेक्टिव जो है वो पेरेंट्स का और बच्चे का दोनों का एक ही है. दोनों का गोल जो है वो यही है कि हमें अच्छा स्कोर करना है, चाहे वो एग्ज़ाम हो या किसी और बोर्ड एग्ज़ाम है, कोई और भी एग्ज़ाम है.
तो पहली चीज़ तो सिंपल ये है कि आप लोग हमेशा ध्यान में रखो कि पेरेंट्स अगर कुछ कह भी रहे हैं तो छोटी छोटी बातों को आप ओबे कर लीजिए। बेसिकली कहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है कि ईगो क्लैश ज़्यादा करते हैं। पेरेंट्स ने कहा कि अभी खाना खाना है तो बच्चा कह रहा है नहीं अभी नहीं खाएं लेंगे खाना। पेरेंट्स ने कहा कि आप अब सो जाओ तो बच्चे को लगेगा नहीं अभी कैसे हाँ। अभी तो मेरा टाइम है नहीं सोने का। तो छोटी छोटी चीज़ों को ये ज़रूर है कि उसको अवॉइड करना चाहिए। आप थोड़ी छोटी चीज़ें ओबे कर लें। उसके अलावा जो भी बात आपको कहनी है वो असर्टिवली कहें। असर्टिवली मतलब पोलाइटली। पेरेंट्स के साथ ऐसा नहीं है कि आपने पेरेंट्स ने बोला आप चूँकि आप एग्ज़ाम बोर्ड दे रहे हैं तो आप बड़े टेंशन में हो बहुत स्टडीज़ का प्रेशर है तो आप पेरेंट्स ने बोला और आप एग्रेसिव हो जाते हैं। बहुत बार ये देखा जाता है कि बच्चे जो हैं एग्रेसिवली पेरेंट्स को रिएक्ट करते देते हैं। वो भी एक ठीक नहीं है। उससे पेरेंट्स थोड़ा सा पेरेंट्स को भी अच्छा नहीं लगता और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको आप भी समझ लेते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा टाइम आपको कोशिश ये करनी है क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो आपकी तरह वो भी बहुत आपसे कंसर्न हैं आपकी स्टडीज़ से वो आपके लिए चिंतित हैं। तो आपको 5-10 मिनट्स अपने पेरेंट्स के लिए निकाल लीजिए क्योंकि हमने देखा है कि बच्चे अपना सारे टाइम तो कोई नहीं पढ़ता रहता है। कुछ टाइम उनका फ्री होता है उसमें से 5-10 मिनट जो हैं वो आप पेरेंट्स के लिए रखिए। उनके जो क्वेश्चंस हैं उनकी जो क्यूरियोसिटी है या जो वो आपसे जानना चाहते हैं उनको सिंपल वे में उनको आंसर दे दीजिए। 5 मिनट अगर 10 मिनट बच्चा अपने पेरेंट्स को एग्ज़ाम के टाइम में उनके पास बैठ के उनको बात करेगा कि मम्मा हमारा ये हो गया है और इतना हमने कर लिया है या अब हमारी ये प्लानिंग है ये सब्जेक्ट हम ऐसे करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स का जो एंग्जाइटी है वो थोड़ा सा पेरेंट्स सेटिस्फाइड हो जाते हैं और वो समझते हैं कि हाँ हमारा बच्चा आगे कर रहा है प्रिपेयर कर रहा है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो मैम ने कहा कि कम्युनिकेशन गैप हो जाता है पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि पता नहीं बच्चा क्या कर रहा है पता नहीं पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं और बच्चे को ऐसा लगता है कि नहीं हम तो बहुत पढ़ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कि आप थोड़ा सा पोलाइट रहिए 10 और 5 मिनट्स आप अपने शेड्यूल में से निकाल के पेरेंट्स के साथ बैठिए उनसे बात करिए। छोटी छोटी बातों को ओबे कर लीजिए जिसमें कि लगता है कि आपका बेनिफिट है। अगर पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं अभी आपको डाइट अच्छी लेनी है या फ्रूट्स का टाइम है तो आप फ्रूट्स ले लीजिए या दूध ले लीजिए तो ठीक है उसमें कोई आपका नुकसान नहीं है तो वो फॉलो कर सकते हैं। और उसके अलावा पेरेंट्स को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि स्पेस बच्चे को दें। उसको थोड़ा सा पता है कि बच्चा भी स्ट्रेस होता है ऐसा नहीं है कि वो भी एक स्टेज में आके कंसर्न अपनी स्टडीज से रहता है तो कुछ टाइम ऐसा है कि पेरेंट्स को भी थोड़ा सा उसको समझना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर 5-10 मिनट बात अगर आपस में हो जाएगी और एक एनवायरनमेंट जो घर का है वो टेंस्ड नहीं रहेगा तो ये इशू कॉन्फ्लिक्ट वाला नहीं आएगा। थोड़ी सी कोशिश करें कि अदर देन स्टडीज बोले हाँ, पेरेंट्स जो है ना पेरेंट्स का स्कूल में गए थे ट्यूशन गए थे क्या हुआ इसने क्या पढ़ाया उसने क्या पढ़ाया ये होमवर्क किया वो होमवर्क किया सो कुछ टाइम एटलीस्ट फॉर 10-15 मिनट्स टॉक समथिंग एल्स अदर देन द स्टडीज। वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चा उसमें रिलैक्स भी फील करेगा वो उसका एक स्ट्रेस फ्री टाइम हो जाएगा। राइट मिस मानसी मे बी यू वुड लाइक टू आंसर दिस। मिस मेनका इज सेइंग आई एम अ साइलेंट लर्नर बट माय पेरेंट्स एंड टीचर सेज रीड आउट लाउड। देखिए ये बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि अगर हम जोर जोर से बोलकर पढ़ते हैं तो हमें याद होता है। एंड इनका नाम क्या बताया आपने? मेनका। मेनका लाइक मेनका इज सेइंग कि मैं एक साइलेंट लर्नर हूँ जो कि होते हैं ऑफकोर्स। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को ज़ोर ज़ोर से पढ़ के ही याद हो। फॉर इन दैट कंडीशन इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी जो भी अभी मैम ने टिप्स बताई हैं अपने पेरेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स को यू नो रिजॉल्व करने की तो उन कुछ टिप्स को मैंने कहा आप फॉलो प्लीज़ करिए और अपने पेरेंट्स को ये क्लियर कीजिए कि मैं जितना पढ़ रही हूँ मुझे उतना याद हो रहा है और जितना मैंने मेरा इतना सिलेबस है एंड आई विल डू इट इन माय वे व्हाट एवर आई एम डूइंग यू कैन यू नो टेक अ फॉलो अप और एनीथिंग आप मुझसे पता कर सकते हो कि मैंने कितना पढ़ा कैसे पढ़ा ताकि उनको एक विश्वास हो जाए आपकी टेक्निक पे क्योंकि हर किसी की अपनी अलग टेक्निक होती है याद करने की। सम पीपल लिसन म्यूजिक वाइल दे आर डूइंग मैथ्स एंड एवरीथिंग सो इट्स नेचुरल एंड आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। सो फॉर दैट यू हैव टू क्लियर योर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स। उनको आराम से बिठाइए उनको बताइए कि हाँ सब बच्चे ज़ोर ज़ोर से बोलकर याद करते हैं पर
मैं एक साइलेंट लर्नर हूँ, मैं जितना भी याद करूंगी आप मेरे से शाम को उसकी रिपोर्ट ले सकते हैं कि मैंने कितना पढ़ा और कितना नहीं। मानसी मैं एक मिनट बोल दूँ कि मुझे लगता है मैं इनका भी सुन रही होगी, उसके पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे, तो ऐसे तो बहुत सारे लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, बट तीन मेजर लर्निंग स्टाइल्स होते हैं। एक होता है विजुअल लर्निंग स्टाइल, मतलब आप जो एक बार आपने पढ़ लिया तो आपको पता हो जाता है, जैसे हमें पता है कि हम बोलते हैं कि इसके फोटोजेनिक मेमोरी, एक बार देख लेता है उसका पक्का याद हो जाता है। मतलब कुछ लोग जो है आंखों से पढ़ के याद कर लेते हैं। दूसरी जो स्टाइल होती है उसको कहते हैं ऑडियो स्टाइल, तो वो क्या उसका ना हाँ मतलब नहीं मतलब वो उनको सुन के ज़्यादा अच्छे से याद होता है। तो जब वो पेरेंट्स कह रहे हैं कि जोर से बोल के आप पढ़ो ताकि याद हो जाएगा, मतलब उनके अनुसार जो है जो ऑडिटरी जो लर्निंग स्टाइल है उनसे अच्छा पढ़ाई होता है, ये उनका मतलब है। तो वो भी लोग होते हैं कि जिनको सुनने से ज़्यादा याद होता है। तीसरी जो होती है वो काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल होती है, जो जब तक खुद के हाथ से कुछ करके ना देखे उनको याद नहीं होता है। तो हर किसी को है जो अपनी स्टाइल ढूंढ के उसी के अनुसार करना है। तो मेनका ये उनके पेरेंट्स को कह सकते हैं कि पापा मेरी ये लर्निंग स्टाइल है और मुझे ऐसे करने से याद होता है, हो सकता है आपकी वो दूसरी लर्निंग स्टाइल है। सो अगला प्रश्न, ये आखिरी प्रश्न लेती हूँ, जोजो जी का प्रश्न है। उनका प्रश्न है, अगर एक घंटे लगातार पढ़ रही है तो उनको कितने मिनट का ब्रेक लेना चाहिए? कितने मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, एक्चुअली ये यू हैव टू डिसाइड, क्योंकि हर किसी का जो टाइम स्पैन ऑफ अटेंशन उसको बोलते हैं, कोई लगातार आधा घंटा पढ़ सकता है, कोई लगातार 40 मिनट पढ़ सकता है, कोई 50 मिनट, कोई एक घंटा। तो अगर आपने एक घंटा, अगर आपके आधा घंटे का लर्निंग स्पैन है तो आपको आधा घंटे के बाद 5 मिनट उठना है, अगर आपका 40 मिनट है तो 4 मिनट के बाद उठना है, लेकिन जो आपका जो बीच में ब्रेक लेना है ये 5 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड उस ब्रेक में भी आपको ये केयर करना है कि आप टीवी नहीं देखोगे और इंटरनेट नहीं करोगे, आप जस्ट सिर्फ आप में आसपास मम्मी वगैरह है तो जाके आसपास घूम के पानी वगैरह पी के दोबारा वहाँ पे आना। ज़्यादा से ज़्यादा आप सो सकते हो लेकिन टीवी या इंटरनेट बिल्कुल नहीं करना है उस ब्रेक में। सो 5 to 10 मिनट ब्रेक इज ओके। तो आज हमने बात की प्री एग्जाम प्रिपरेशन से जुड़े हुए स्ट्रैटेजीज और अप्रोचेस के बारे में, और इन सारी जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स का धन्यवाद। अगर आपके फिर भी कुछ सवाल है, कुछ सुझाव है, तो आप हमसे हमारे टोल फ्री नंबर या ईमेल आईडी के द्वारा संपर्क कर सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ, तब तक देखते रहिए किशोर मंच। थैंक यू।